वेलकम टू विद्या की जर्नी। क्षोभ मंडल से और शमताप मंडल से बनने वाले ढेर सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं, तो अंत तक आप बने रहें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु क्षोभ मंडल पर पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी जीव जंतु हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओस, तूफान, वर्षा, मेघ गर्जन आदि क्षोभ मंडल के घटित होता है। कहाँ घटित होता है? जो कोहरा, बादल और ओस, तूफान, वर्षा, मेघ गर्जन आदि है, ये किस मंडल में घटित होता है? तो ये क्षोभ मंडल में घटित होता है। फ्रेंड्स, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप स्किप नहीं करके पूरा ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल जो क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तन का छत कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि मौसमी परिवर्तन का छत किसे कहा जाता है, तो क्षोभ सीमा को कहा जाता है। जो क्षोभ मंडल है उसको मौसमी परिवर्तन का छत कहा जाता है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है? तो गर्मी के दिनों में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? तो ठंडी के दिनों में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो घट जाती है। इसको ध्यान से याद रखिए कि गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो विद्युत रेखा के ऊपर 180 किलोमीटर तक, ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्षोभ मंडल की सीमा जो है वो विद्युत रेखा के ऊपर 180 किलोमीटर तथा ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये समताप मंडल से बनने वाले प्रश्न। तो आगे चलते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर जो दूसरी परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। जो क्षोभ मंडल के ऊपर दूसरी परत को हम समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल क्षोभ सीमा से प्रारंभ होती है। प्रश्न आ सकता है कि समताप मंडल किस सीमा से प्रारंभ होती है, तो क्षोभ सीमा से प्रारंभ होती है, यानी क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला रहता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल में जल वाष्प, धूल कण आदि नहीं पाए जाते। फिर से देखिए, समताप मंडल में जल वाष्प, धूल कण आदि नहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंडल में धूल कण और जल वाष्प नहीं पाए जाते हैं, तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि समताप मंडल में जल वाष्प और धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस O3 की बहुलता पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस O3 की क्या पाई जाती है? तो बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ओजोन बाहुल्य, क्षोभ या ओजोन मंडल कहते हैं। समताप मंडल जो ये ओजोन गैस की बहुलता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसे ओजोन बाहुल्य क्षोभ या ओजोन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन गैस क्या करती है? तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको सोख लेती हैं तथा इन्हें भूतल तक नहीं पहुँचने देती हैं। जो ओजोन गैस होती है वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा इन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती हैं। पृथ्वी पर हमारी से रक्षा करती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे उसको नहीं पहुंचने देती हैं और उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, समताप मंडल में मौसम परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो समताप मंडल होता है उस पर क्या होता है, मौसम परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि क्षोभ मंडल में पड़ता है। क्षोभ मंडल में बादल गरजना और बिजली कड़कना सब कुछ होता है, लेकिन समताप मंडल में ऐसे कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, समताप मंडल में वायव्यान उड़ते हैं। जो समताप मंडल होता है वहाँ वायव्यान उड़ते हैं। प्रश्न आ सकता है कि वायव्यान कहाँ उड़ते हैं, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि समताप मंडल में वायव्यान को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है, समताप मंडल के आखिरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि समताप सीमा किसे कहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, समताप मंडल की जो आखिरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में लगभग समताप स्थिर रहता है। समताप मंडल में लगभग समताप जो होता है वह स्थिर रहता है, इसलिए इसे समतापी मंडल भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे समतापी मंडल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे क्षोभ मंडल और समताप मंडल से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न, तो आप पूरा देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।